लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। चिराग के अचानक दिल्ली पहुंचने पर ये माना जा रहा है कि वो हाजीपुर सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज के मूड में जरा भी नहीं है, क्योंकि 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ऐसे में चिराग ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 6-1 का फॉर्मूला भी कंफर्म कर दिया है। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच हाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर खींचतान जारी है। इस घमासान में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए चिराग पासवान दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं पशुपति पारस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाजीपुर सीट से फिलहाल पशुपति पारस खुद सांसद हैं। ये सीट राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में चाचा भतीजा दोनों ही इस सीट पर दावेदारी से पीछे हटने को लेकर तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब चिराग पासवान स्वयं हाजीपुर सीट पर अपना दाव ठोक रहे हैं। बीते महीने चिराग ने हाजीपुर में एक सभा के दौरान यहाँ की जनता को कहा था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इस वादे को पूरा करने के लिए चिराग पासवान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चिराग के एनडीए में शामिल होने की 3 शर्तें हैं। पहली, उनके पिता रामविलास पासवान की ये सीट उन्हें ही दी जाए। दूसरी, चिराग की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाद में एक राज्यसभा की सीट भी उन्हें दी जाएगी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान की इन मांगों पर उनके एनडीए गठबंधन में शामिल होने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बीच उनके चाचा भी इसी खेल में लगे हुए हैं। दरअसल पशुपति पारस भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अगला चुनाव इसी सीट से लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि टूटे दल दोबारा एक हो सकते हैं, लेकिन टूटे दिल जुड़ नहीं सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो चाचा के इस बयान के बाद चिराग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट के समीकरणों के बारे में। वैशाली जिले की हाजीपुर लोकसभा सीट पर देश के लोगों की नजर रहती है। इस सीट पर रामविलास पासवान रामराज का सिलसिला 1977 में शुरू हुआ। 1977 के आम चुनाव में हाजीपुर सीट से पहली बार रामविलास पासवान लोकसभा प्रत्याशी बने। उनके सामने बालेश्वर राम चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में रामविलास ने बालेश्वर राम को करीब 4.5 लाख वोटों से हराया था। 1980 के मध्यावधि चुनाव में रामविलास पासवान दोबारा विजय हुए। इसके बाद 1984 की इंदिरा लहर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रामविलास पासवान कांग्रेस के राम रतन राम से हार गए। 1989 के चुनाव में पासवान ने फिर धमाकेदार वापसी की। इस चुनाव में रामविलास पासवान को 6,15,129 वोट मिले, तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। इस बार उन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था। साल 1999 में रामविलास पासवान ने आरजेडी के रमई राम को, तो 2004 में जेडीयू के छेदी पासवान को हराया था। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट में रामविलास पासवान 8 बार सांसद रह चुके हैं। वे यहां से 10 बार चुनाव लड़े, जिसमें 8 बार उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस यहाँ से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। इसके बाद लोजपा में 2 फाड़ होने के बाद चाचा भतीजा की लड़ाई सड़क पर आ गई। हाजीपुर संसदीय सीट में यादवों की अच्छी संख्या है, यही कारण है कि यहाँ MY समीकरण का रंग दिखता है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है और यही वजह है कि ये सीट लोजपा का गढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।